तो अगर आप लोगों ने भी इस प्रकार का टीजर देख लिया है, तो अगर आप मैं आपसे पूछूं कि इस प्रकार का गेम प्ले क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो योर आंसर इज नो, क्योंकि हमें इस प्रकार का गेम प्ले बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ऐसा मैं नहीं, मेरा एक्सपीरियंस एंड सारे WCC फैंस या फिर जिन लोगों ने भी WCC 3 को खेला है या फिर कुछ टाइम से या फिर एक दो साल से इन्होंने खेला भी होगा, तो उन लोगों को पता होगा कि अपने ट्रेलर को जितना अच्छा बनाते हैं, टीजर को जितना अच्छा बनाते हैं, उतना अच्छा गेम प्ले अगर हमको दें तो इनका गेम यार नेक्स्ट लेवल बन जाएगा। बात तो सही है। और दोस्तों हम सभी को पता है कि ये वाला जो अपडेट होने वाला है ये 100% पेड अपडेट होने वाला है, और ये जो है वर्ल्ड कप स्पेशल अपडेट वैसे भी है, और ये अपडेट पेड तो होना ही, ये सभी को पता है यार, जितने भी WCC लवर्स हैं या जितने भी WCC 3 को खेल चुके हैं उन सभी को पता है यार ये सब, इसकी बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि ये सब हमको फ्री देखने को मिल सकता है इस साल, या फिर WCC 3 को थोड़ा सा तरस आ गया हो हम पर और हमको फ्री में देने की कोशिश कर रही हो, तो क्या ऐसा एक्चुअली पॉसिबल है? दैट इज, अब यार अभी बता दूंगा, तो वीडियो कब देखोगे? तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो बिना कोई वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो WCC 3 के सामने पहले रियल क्रिकेट 22 एक चैलेंज था कि उसको कैसे भी करके वीट करना है, लेकिन अभी उसके सामने दो दोस्त दर्द आ चुके हैं। एक है अपना ड्रीम क्रिकेट यार, उसको कैसे भूल सकते हो आप, यानी कि रियल क्रिकेट 22 का सरदर्द भी बनने वाला है वो। तो यार रियल क्रिकेट 22 एक था ही, लेकिन अब ड्रीम क्रिकेट भी इसमें शामिल हो चुका है, और अब ड्रीम क्रिकेट को भी यार उनको कैसे वीट करना है ये भी वो सोच रहे होंगे। तो गाइस इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपने जो फीचर्स वगैरह हैं वो फ्री करने होंगे। अब जितने सारे फीचर्स हैं उनको पेड तो रहने दो, लेकिन जो अपकमिंग फीचर आने वाले हैं, जैसे कि ये जो प्रोमो में दिखाया गया है इस प्रकार का जो फीचर आने वाला है वर्ल्ड कप 2023 का न्यू फीचर, इसको कम से कम फ्री रखना पड़ेगा। एंड जितने भी ये सारी जर्सीज होने वाली है ना वर्ल्ड कप वाली, ये सारी यार फ्री रखनी पड़ेंगी। अब खैर जर्सी तो ये पेड ही रखते हैं, बट शायद ये वाली जर्सी एक फ्री आ जाए तो यार मजे ही मजे हो जाएंगे इनके फैंस के तो। एंड ये एक बार नहीं, मतलब कई बार ये ऐसा कर चुके हैं, मतलब ट्रेलर अच्छा बनाते हैं, प्रोमो अच्छा बनाते हैं, लेकिन उसके बाद गेम प्ले में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं लाते हैं। तो WCC 3 को भी ये कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि WCC 3 के अंदर अब गेम प्ले इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़ा मॉडर्न जमाना हो चुका है। तो गाइस अगर आप लोग मुझसे पूछो कि ये सब फीचर्स वगैरह फ्री होने वाले हैं पेड होने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से कंपनी के एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो यहाँ पर ये फ्री रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा ऑडियंस लेने के लिए उनको कुछ ना कुछ घाटा यार करवाना ही पड़ेगा। हालांकि वैसे भी कंपनी लॉस में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा बहुत तो घाटा यार झेलना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ मानता हूँ ये सारे डिजाइन वगैरह करने में, ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन करने में यार काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन हाँ अगर आपको गेम को वगैरह को वीट करना है, ड्रीम क्रिकेट रियल क्रिकेट 22 को से ऊपर जाना है, तो आपको इतना तो खर्चा यार झेलना पड़ेगा, ये तो मैं मानता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं अपडेट के रिलीज डेट के बारे में। तो यार बताने कोई बात है ही नहीं, जो अपडेट में बताया गया यानी कि जो प्रोमो में दिखाया गया है इस प्रकार का फीचर्स वगैरह एंड वहाँ बताया गया ये वर्ल्ड कप पे बेस होने वाला है, तो ये वर्ल्ड कप के टाइम पर ही मिलने वाला है। और दोस्तों अभी हमें कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, एशिया कप के दौरान हम लोगों को एक बग फिक्सेस का अपडेट देखने को मिल सकता है, एंड बाकी अपडेट जो हमको वर्ल्ड कप के अंदर देखने को मिल जाएगा। अपडेट के प्रोमो रिलीज हो चुका है, यानी कि जर्सीज वगैरह सब कुछ हो चुकी हैं, एंड जिस प्रकार से न्यू स्टेडियम को दिखाया गया था इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेडियम भी इस बार हम लोगों को डेफिनेटली आने वाले हैं, और अदर कंट्री के स्टेडियम वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जो एशिया कप होने वाला है, फिलहाल एशिया कप अपडेट तो है नहीं, लेकिन कंपनी का ज्यादा मोटिव होगा कि बहुत सारे स्टेडियम ऐड किए जाएं। खैर हम लोगों को सिर्फ इतना ही पता कि इनके प्रोमो अच्छे होते हैं एंड अपडेट बेकार होते हैं, तो क्या इस बार भी यही होने वाला है, क्या इस बार भी ऑडियंस को निराश करने वाले हैं? ये तो अपडेट के बाद ही देखा जाएगा। लेकिन आप लोग एक चीज अभी कर सकते हो एंड अभी आप लोग देख सकते हो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना एंड न्यू वीडियो का वेट करना, क्योंकि हम लोग ड्रीम क्रिकेट पर एक जल्दी मस्त सी वीडियो लेकर आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। तो जल्दी मिलते हैं इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।